भाई लोग, जो मैं तुमको 3 मिनट के अंदर 5 बातें जो शेयर करने जा रहा हूँ, अगर तुमने उन पर फोकस कर लिया तो तुम्हारा सिलेक्शन इस बार नीट 2023 के एग्जाम में कोई भी नहीं रोक रहा। तुम नीट का एग्जाम फोड़ के आओगे। शर्त यह है कि तुम्हें ये जो मैं 5 बातें बता रहा हूँ इन पर फोकस करना पड़ेगा और इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो 5 बातें हैं अपनी स्टडी टेबल के सामने जो है इनको चिपका लेना, पेस्ट कर लेना और इम्प्लीमेंट करना, बस और कुछ नहीं, ठीक है। फर्स्ट जो बात है वो है कि जो मैं तुमको डेली टारगेट्स दे रहा हूँ अपने टेलीग्राम पर, उनको डेली डेली कंप्लीट करो, मेहनत करो यार उन पर। और देखो खासियत क्या है डेली टारगेट्स की, ये स्पेशल क्यों है, क्योंकि यार देखो तो मैंने अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाने की जरूरत नहीं है। मैं सारे जो अच्छे अच्छे लेक्चर्स हैं, वन शॉट हैं, उनकी जो वीडियोज़ हैं उनका लिंक जो मैं तुम्हें एक ही प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो इसकी खासियत है। साथ में DPs वगैरह जो भी हैं उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं और PYQs भी इंक्लूड हैं 2022 तक। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा तुम्हारे लिए वो है, अपॉर्चुनिटी है। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लेना। सेकंड जो बात है जो तुमको फोकस करके चलनी है कि भाई अलग अलग टीचर या अलग चैनल पर मत जाओ। क्या हो रहा है इस टाइम पर कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो 2 दिन किसी और से पढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आया, चेंज कर लिया, फिर चेंज कर लिया। तो यार ऐसा लास्ट तक पॉसिबल नहीं है कि भाई तुम सिलेक्शन ले जाओ, ठीक है। तो किसी एक को पकड़ लो और अच्छे से उस पर कंसिस्ट रहो। थर्ड जो बात है वो ये है कि जो भी यार रात के 2 बजे के बाद जाग रहे हैं वो दिन में एक्टिव नहीं हो पाओगे। मैंने भी पूरे साल यही गलती की थी कि भाई 2 बजे के बाद 4 बजे तक पढ़ रहे हैं सुबह तक, तो यार तुम दिन में एक्टिव नहीं रह सकते, ठीक है। तो रात में पढ़ना छोड़ दो, 2 बजे के बाद मैक्सिमम 2 बजे तक पढ़ो, उसके बाद तुम्हें रात में नहीं पढ़ना है। फोर्थ जो बात है तुम्हारी जो तुम्हें ध्यान रखना है वो है तुम्हारा मॉक टेस्ट। देखो यार मॉक टेस्ट जो है मैं हर एक यूनिट के बाद मैं मॉक टेस्ट कंप्लीट कराऊंगा। जैसे तुम्हारा फर्स्ट जो मॉक टेस्ट है वो 17 तारीख को है, तो टेस्ट सीरीज वगैरह या मॉक टेस्ट का तुम मतलब टेंशन छोड़ दो। अदरवाइज तुम्हें और भी कोई मॉक टेस्ट अगर ज्वाइन करने मेरे अलावा, ठीक है, मेरा कोई पेड वगैरह नहीं है, सब कुछ फ्री है। तो मेरे अलावा कुछ और भी अगर तुम्हें ज्वाइन करना तो एलन आकाश के टेलीग्राम पर फ्री पड़ा हुआ है ना, टेलीग्राम जो है वो स्टडी मटेरियल का हब है, लेकिन थोड़ा सावधानी से, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्री है तो तुम लालच में आ जाओगे वहाँ पे, ठीक है। तो जो नीड है उसी को डाउनलोड करना। फिफ्थ जो मेन चीज़ है वो है सेल्फ डाउट। यार अभी इस टाइम पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको सेल्फ डाउट हो रहा है कि भैया क्या आप जो बोल रहे हो वो सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा, 550 आएंगे या फिर नहीं आएंगे। भाई पहले मेहनत करो यार, जो मैं बोल रहा हूँ उनको डेली कंप्लीट करो। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा तुमसे ना मतलब बहुत मतलब डाउन स्टूडेंट्स थे जिनका सिलेक्शन हो गया यार 2022 में। मैंने तुमको ऑलरेडी पहले से प्रूफ दिया हुआ है, जो 250 नंबर स्कोर कर रहे थे नीट से 1 महीने पहले, ठीक है, तो उनका सिलेक्शन हुआ है यार, तो तुम्हारा सिलेक्शन क्यों नहीं होगा। तुम्हारा तो अच्छा स्कोर आ रहा है, 300 आ रहा है, 350 आ रहा है किसी का, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का मतलब बेटर हो रहे हैं, उनका स्कोर अच्छा आ रहा है, तो तुम भी इंप्लीमेंट करो, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच एवरीवन एंड लव यू ऑल, बाय।